हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है, जो वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण बना हुआ है। जिसको लेकर गुरुग्राम के सेक्टर 51 में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में कैंसर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई डॉक्टर शामिल हुए और कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर्स ने लोगों को सजग होने के लिए कहा। वहीं जब हमने मैराथन एक्सपर्ट सुनीता गोदारा से बात की तो उन्होंने कहा कि अवेयरनेस इवेंट के जरिए कैंसर के प्रति लोगों को सजग करते हैं, साथ ही हम टीम वर्क करें। उन्होंने कहा कि फिट रहो, स्वस्थ रहो और दूसरों को हंसाते रहो। वहीं डॉक्टर पवन कुमार सिंह ने कहा कि आज हम वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं उनमें एक सीख और लोगों को इस बीमारी के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए होती है। जो अवेयरनेस इवेंट्स होते हैं, ये जो इंटरनेशनल डेज होते हैं जिसमें अवेयरनेस की जाती है, ये एक तरह से जो भी अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में जब हम ये वर्ल्ड डे मनाते हैं तो इसका एक ही कारण होता है कि मीडिया के थ्रू हम फिर से उन लोगों को याद दिलाएं कि किन कारणों से हो रहा है, क्यों ये बढ़ रहा है और इसके इलाज के लिए हम हैं। आर्टेमिस हॉस्पिटल ने आज यहाँ पर वर्ल्ड कैंसर डे मनाकर ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम हैं, अगर जल्दी डिटेक्ट करवा लोगे तो इलाज भी हमारे पास है। तो यही है अवेयरनेस, यही होती है कि हम सब टीम वर्क करें और हमारे ड्रीम वर्क करें। वर्ल्ड कैंसर डे कमेमोरेट करते हैं तो जो कि हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें बेसिकली इसके मनाने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि हम उन सभी कैंसर पेशेंट्स को उनको कमेमोरेट किया जाता है कि भाई उन लोगों ने कैंसर से जीत पाई है जिनको कैंसर हुआ है, और साथ ही साथ दूसरे कैंसर पेशेंट्स को प्रेरणा के लिए, ताकि वो लोग अपनी बीमारी से आगे लड़ पाएं और उससे उस पर जीत पा पाएं। वहीं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर सुशील माही ने विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर नागरिक अस्पताल में आयोजित कैंसर जागरूकता सप्ताह के शुभारंभ पर पत्रकारों से बात की और कहा कि आज से जिला रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग कैंसर जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत आशा वर्कर और ANM घर घर जाकर लोगों को इस घातक बीमारी के बारे में जागरूक करेगी और यदि किसी व्यक्ति में कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे अस्पताल लाकर उसकी शुरुआती जाँच की जाएगी, जो एकदम निशुल्क होगी। आज 4 फरवरी 2021 हमने वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया। इस दिन जो मेन हमारी एक्टिविटी रही है हमारे पूरे ज़िले में, इस कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करना, एजुकेट करना, ताजो इसकी रोकथाम, प्रिवेंशन, इसका टाइम से चलते डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन, और अगर किसी को हो गया तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, इन तीनों के विषय के बारे में हमने आज जागरूक किया। हमने जो मेडिसिन ओपीडी थी, INT ओपीडी है हमारी, गायनी ओपीडी, वहाँ जाके मरीजों से विचार विमर्श किया, उनको सारा समझाया है। इसका एक ऐसी बीमारी है, जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो पूरे ज़िले भर में, उतना ही लोगों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं एक्टिविटी में और उनकी रोकथाम करने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। रेवाड़ी सीवी न्यूज़ के लिए चंद्रशेखर और गुरुग्राम से अशोक की रिपोर्ट।